आज है महाषष्ठी, तो षष्ठी के दिन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दुर्गा माता सबको अच्छा रखे। तो हम लोग रेडी हो गए, अभी नीचे जाएंगे। नीचे जाके प्रणाम करके देखो, माता रानी आज ग्रे कलर है, तो माता रानी को ग्रे कलर पहनिए। लेकिन आरती में रह नहीं पाती क्योंकि उधर दुर्गा माता के उधर जाती हूँ, इसीलिए। तो माता रानी आज ग्रे कलर में भी बहुत सुंदर लग रहे। तो अभी हम लोग सिस्टर के घर जाएंगे क्योंकि सिस्टर का सासू माँ को लेके दो तीन मतलब मूर्ति दिखा के, दुर्गा माता दिखा के लेके आएंगे। तो इसीलिए सिस्टर के घर जाएंगे अभी। तो चलो सिस्टर के जाके दिखाती हूँ घर जाके। দাও একটু কাছে পিঠে একটা ঠাকুর দেখে আসতে ভালো লাগে না? আর ঠিক আছে চলো, তোমার যেটা কমফোর্টেবল। সব রেডি? फाइनली हम लोग पानवेल पहुंच गए। पानवेल में ये दुर्गा माता होता है, बहुत दिन से होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा तामझाम है नहीं। उधर स्टॉल बिठाया और उधर प्रोग्राम हो रहा है फंक्शन, और इधर मंडप भी थोड़ा मतलब सिंपल बनाया, और उधर प्रोग्राम हो रहा है, डांस प्रोग्राम हो रहा है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं मूर्ति कैसा बना है भगवान का। सभी अच्छा लगता है, और इधर का जो भगवान का मूर्ति ना बहुत सुंदर, हर साल बहुत सुंदर, मतलब पुराना जो स्टाइल वही मेंटेन किया, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर देखो माता का फेस बहुत सुंदर है। और नीचे जो माथा है छोटा सा, ये भी मिट्टी का ही है, इसमें सिंदूर दान होता है, बड़ा वाला में नहीं होता है। इस ये टेबल के ऊपर रख देते, इसमें सब सिंदूर दान करते, मतलब सिंदूर खेला जो होता है ना वो करते। और ये माता फेस देखो कितना, दोनों भगवान पूरा सेम बनाते, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी, सिर्फ साइज में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का कलर स्ट्रक्चर फेस कटिंग सब कुछ सेम रहता है। तो अभी हम लोग इधर तो हो गया, अभी थोड़ा फ़ोटोशूट होगा। दुर्गा माता के इधर आए, फ़ोटोशूट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो अभी फ़ोटोशूट होगा थोड़ा सा। और इधर तो माँ बेटा को अभी भी सजा रहा है। मैंने जैसे बोला अभी फ़ोटोशूट चल रहा है। ये देखो फोटोग्राफर चेंज हो रहा है, फोटोग्राफर और फोटोशूट हो रहा है सबका। तो चलो अभी थोड़ा इधर प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ा सा प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद थोड़ा स्टॉल पे जाएंगे। अभी तो गाना गा रहे, तो कुछ देर पहले इधर डांस हो रहा था, तो अभी स्टॉल जाएंगे। स्टॉल में जाते क्या क्या मिलेगा देखते। षष्ठी है आज, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो हम लोगों ने कुछ लिया, समोसा वगैरह लिया। फिर आज षष्ठी है ना, तो भेज खाते हैं, तो आज इसीलिए सब भेज आइटम ही लिया। पनवेल में और एक पूजा होता है उधर आगे, ये एक हॉल में होता है। तो इधर का माता रानी मतलब दुर्गा माता भी बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है। और ख़ास बात है वो देखो, लक्ष्मी भगवान भी रख के मतलब लेके आए एक साथ ही, मुँह ढक के रख दिया क्योंकि नेक्स्ट संडे को ही लक्ष्मी पूजा है, तो इसीलिए एक साथ ही लेके आए। तो हम लोग थोड़ा इधर घूमेंगे अभी, फिर इधर भी तो एक दो फोटो निकालेंगे। और उधर जो सजा के रख दिया ना, स्टेज बना है अंदर, इधर कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो बहुत ही अच्छे से सजा है इधर। अभी रात 10 बज गया, अभी हम लोग आए हैं हमारे एरिया में, घर के नज़दीक जो पूजा है बंगाली एसोसिएशन,
हम लोग कल भी आए थे पंचमी के दिन भी, उधर आ गए, अभी घर आ गए। घर के नीचे माता रानी के उधर जागरण हो रहा है, सब लेडीज आज रात भर शायद कीर्तन करेंगे, तो इधर थोड़ी देर बैठ के फिर ऊपर जाऊंगी क्योंकि कल सुबह ड्यूटी भी है, तो जाके डिनर बनाऊंगी। मैं रेडी करके आई हूँ, सिस्टर आएंगे मेरे घर में, उन लोग डिनर करेंगे, तो इसीलिए इधर ज़्यादा देर रुकूंगी नहीं। हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। हम आगे किचन में अभी बहुत बिजी है सब लोग, आज बाहर का खाना नहीं खाना है, पेट का हालत सबका खराब है, इसलिए घर में खाना बना रहे दीदी। आलू का पराठा और अंडा भुज्जी बन रहा है, तो दीदी बिजी है इसीलिए मैं वीडियो कर रही हूँ। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि उनके होने ही वाले हैं, थोड़ा सा वॉच टाइम बाकी है, आप ये वीडियो से दिला दो तो हो जाएगा चैनल सक्सेसफुल। थोड़ा प्यार चाहिए, प्यार का भूखा ही मेरा दीदी, तो प्यार दे दो, थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार। अभी डिनर हो रहा है सबका, मैं तो भेज खाऊंगी इसीलिए मैं बाद में डिनर करूंगी, सबको डिनर करा के भेज देती हूँ उसके बाद। चलो भाई, खूब मजा हलो आज के, कल के आरो बेशी मजा करबो, आज के एक कम मजा हलो, मेरे जामाई बाबू का कल ड्यूटी है, भूल गए तो बंगाली में बता दिया, तो हम लोग जाते हैं, अभी जाके सोना है, इनको भी सोना है। बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और फिर नया ब्लॉग लेके आऊंगी। चलो बाय बाय, ब्लॉग लेके आऊंगी कल, बाय बाय।